ये जो आप देख रहे हैं नीचे नारियल, देखिए ये पूरा नारियल है, ठीक है। ये ख़राब हो गया था, ठीक है, तो इसलिए इसको मतलब कटिंग करके सूखने के लिए दिया है, ठीक है। ऐसे सूखने के लिए देता है, और एक दो नारियल कच्चा रह जाता है ना, कच्चा रहता है तो कैसा हो जाता है मैं आपको दिखा दे रहा है, जैसे कि वहाँ पर दिख रहा है, उधर दिखाई दे रहा है, दो काला जैसा हो जाता है। देखिए ये देखिए थंबनेल में आप देखा था ना, थंबनेल में सेम टू सेम है हुआ है, और एक है उधर, और भी होगा इधर उधर, ठीक है। देखिए कैसा दिख रहा है, पूरा काला जैसा हो गया है अंदर में, ठीक है। बाकी दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, देखिए सादा है, प्योर सादा, ठीक है, अच्छा है ये, मतलब अच्छा है ये, ठीक है। ये काला हो जाता है, मतलब कच्चा रहता है ना कोई भी चीज़, मतलब अच्छा से सूखता है। मान लो ऐसे करके रखा है, ठीक है, ऐसे ये रखेगा धूप में देगा ऐसे सूखने के लिए, तो ठीक है। मान लो इसके ऊपर और एक रह गया, ऐसे रह गया, रह जाता है, धूप अच्छा से नहीं पड़ता, या फिर ऐसे ऐसे पलटी हो जाता है, ठीक है, तो धूप अच्छा से नहीं सूखता है, अंदर में कच्चा रहता है, अंदर में कच्चा रहता है ना, तो वो जब रूम अंदर लेके जाता है इसको, रात को तो अंदर लेके जाना पड़ता है ना, यहाँ तो नहीं रख सकता है, इसलिए रात को अंदर कर देता है पूरा इसको, ठीक है। तो ये रात में मतलब एक दिन दो दिन के बाद मतलब वो काला जैसा हो जाता है, इसलिए काला हो जाता है ना। तो बाकी ऐसे धूप में अगर अच्छा से सूखा, और किसी दिन धूप भी नहीं देता है ना, किसी दिन ऐसा होता है कि धूप नहीं देता है, ठीक है, इसलिए इसे काला जैसा हो जाता है, ठीक है। अभी जो दिया है ये सूखने के लिए, ये सब किया क्या होगा, कहाँ क्या क्या होगा, मतलब ये सब जाएगा ऑयल फैक्ट्री, मतलब तेल का कंपनी जाएगा, इसको मशीन में डालेगा, इसको दाबने से तेल निकलेगा, देखिएगा निकलेगा अभी कैसे, दाबने से पूरा तेल निकलता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, देखिए देखिए पूरा जोर से दाबना पड़ता है, देखिए पूरा जोर से दाबने से तेल निकलता है, पूरा जोर से, मतलब पूरा जोर से दाबने से तेल निकलेगा। ये तो ज़्यादा सूख गया है, ज़्यादा सूखने के लिए हम लोग का जो मैडम सर है, मैडम है, ज़्यादा सूखने के लिए दे दिया है, फिर भी निकलेगा, ऐसा कोई बात नहीं जी, निकलेगा, ठीक है। तेल निकलेगा, पूरा दाब रहा है नहीं, हाथ में इतना टाइट है, स्ट्रांग हो गया, पूरा दबा रहा है नहीं, देखो पूरा टाइट है, देखिए तेल निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, देखिए पूरा सूखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, देखिए देखिए, ठीक है, ऐसे तेल निकलता है, तेल कंपनी में लेके जाएगा, मशीन में डालेगा, पूरा निचोड़ के तेल निकाल देगा, और उसका वो छिलका है ना, देखिए नारियल का कितना छिलका है वहाँ पर, बहुत है बहुत, इसको जलाने के लिए चूल्हा में खाना बनाने के लिए बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, मतलब फट से जल जाएगा, माचिस मारो, थोड़ा फुहार मार दो, फुहार या फिर पेपर पर थोड़ा डाल दो, बस कुछ नहीं, पेपर भी नहीं डालना पड़ेगा, खाली एक जलना चाहिए, एक दो बस, थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी डाल देना, घासलेट बोलता है ना, क्रोसिन, वो डालने से थोड़ा सा हो जाएगा बस। नहीं देखिए ऐसे सूखने के लिए, ये ख़राब हो गया ना इसलिए सूखने के लिए ना, तो ये पैकिंग होता है पूरा मशीन में डालने के बाद पूरा पैकिंग हो जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, आपका दिन शुभ।